भी, उनका भी नंबर मैंने ट्राई किया पर उनका भी नंबर नहीं लग पा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना उनसे पूछा जाए, उनको वीडियो भेज दी जाए, क्या पता कोई तुरंत से सॉल्यूशन मिल जाए। क्योंकि चोट तो ठीक है, कल तक एक्टिव था, आज जो है कुछ बोल नहीं रहा है जी, जैसे कल तक आवाज़ें वगैरह कर रहा था। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जी, स्पेशली जो है आप देख भी रहे होंगे सामने एनिमल से रिलेटेड। हाँ जी फ्रेंड्स, आज जो है जी अचानक से, अभी मैं देखने गया कुछ देर हो गई, तो अनु ने मुझे बताया कि जो टुक टुक है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, खाना वगैरह जो है प्रॉपरली लगा ऐसे कि आवाज़ जैसे कर रहा था ना, कल तक एक्टिव था दोस्तों, कुछ बहुत ढीला सा हो गया जी, और अभी अभी देखा मैंने। तो दोस्तों अब इस बारे में हमें इतनी नॉलेज भी नहीं है, और जो है आसपास मैंने शॉप्स के पता भी किया, तो डॉग्स वगैरह के लिए जो शॉप्स हैं, मतलब डॉग्स वगैरह की नॉलेज रखते हैं लोग, आसपास नहीं है कोई ऐसे बर्ड से जो स्पेशलिस्ट हो, नहीं तो हम इसको दिखाई लेते। तो फीड भी करवाया, पता नहीं अब जो खाना दे रहे हैं हम उसकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है या क्या है पता नहीं। बाकी चोट तो ठीक है, कल तक एक्टिव था, आज जो है कुछ बोल नहीं रहा है जी, जैसे कल तक आवाज़ें वगैरह कर रहा था। तो मैं वीडियोज़ वगैरह देख रहा था, तो इसको धूप में रखा है हमने लाकर, तो मैं देख रहा था कुछ वीडियोज़ में कि अगर नाक से पानी जैसा लग रहा है, हल्का हल्का बुलबुला सा, ऐसे कन्फर्म भी नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, तो ये देख सकते हैं। तो अभी इसको जो है मैंने खाना, हो सकता है कि जो न्यू फूड ला के दिया है उसमें डाइजेशन में दिक्कत हो रही है, तो लीवर 52 घर में पड़ी थी, एक दो ड्रॉप्स मैंने इसको दी है, तो वो ड्रॉप्स दी है, वो पी है इसने, अब बाकी देखते हैं जी। बाकी धूप में भी रख दिया है, क्या होता है देखते हैं अब दोस्तों। तो थोड़ी सी ये देख के थोड़ा परेशानी सी लग रही है, क्योंकि एक्टिव होता है तो उछल कूद करता है, आप गर्दन नीचे करके इसी पोजिशन में देख सकते हैं आप, लेटा हुआ ही है ये देखो। तो मैंने धूप में थोड़ी देर इसको छोड़ दिया है, अगर ठीक रहता है तो ठीक है, नहीं तो जी जल्द ही इसको मैं जो हूँ कहीं शॉप पे या पे ये जो डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएंगे, पता करते हैं। एक तो यहाँ आसपास दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं, एक दो डॉक्टर हैं वो डॉग्स के स्पेशलिस्ट हैं जिनके बारे में पता किया, बर्ड का कोई यहाँ पे जल्दी से ऐसे मिल भी नहीं रहा है जी। बाकी मैं पूछ रहा था, ऑनलाइन देख रहे थे अब यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह भी, पर कुछ खास पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सिम्टम जो है वो भी क्लियर से नहीं दिख रहे हैं। और देखो जी इस तरह से हुआ हुआ है, टुक टुक ओए बच्चे टुक टुक। मैंने सोचा जुकाम है या अगर कुछ ऐसा भी हो तो देख ले, पर ऐसा ज़्यादा भी नहीं लग रहा है, हल्का सा है ये देखो नोज़ पे, और खाना खिलाया इसको और लीवर 52 दी है जी, ये देखो जी। तो जो पेट में है इसके, ये देखो, कोई अगर जानने वाला भाई है तो देख के बताना जी कि क्या चक्कर हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखो कुछ आवाज़ भी नहीं निकल रही है इसकी, जैसे अपनी गर्दन को झटके सा जा रहा है, मतलब बार बार जो है इस तरह से कर रहा है, और कल से मेरे को कमज़ोर सा भी लग रहा है जी कुछ, इसीलिए पानी भी पिलाया मैंने, कहीं बॉडी में पानी की कमी हो तो जी। अगर कोई वीडियोस मेरी देखता है तो ज़रूर बताना दोस्तों, मुझे जल्दी से ज़रूर गाइड करना, क्योंकि बड़ा छोटा सा बच्चा और मैं नहीं चाहता कि इसकी तबीयत वगैरह ख़राब हो या कुछ हो। अब हमारे पास आया तो मैं चाहता हूँ कि जी इसको 100% हम जो है बच्चा पल जाए जी। थोड़ी सी धूप में रखा है, अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी अभी गेट के पास इसलिए खड़ा हूँ मैं, कई बार ऐसा होता है कि बिल्ली वगैरह, बिल्ली बड़ी तेज़ होती है, एकदम से आए और ऊपर से पता नहीं। ओहो यहाँ पे देखो जी, ये वापस यहाँ पे, ये शायद दूसरे कबूतर हैं जो अपना, ये देखो यहाँ लड़ रहे हैं जी, शायद कोई पहले घोंसला बना रहा था और यहाँ दूसरा आ गया है। कभी यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था एकदम एक आध दिन पहले, पर अब फिर से दोबारा से आ चुके हैं, और अंदर जो कमरा है वहाँ पे एक घोंसला और बना रखा है, पता नहीं शायद ये अलग अलग दो जोड़े हैं जिन्होंने घोंसला हमारे यहाँ पे बना रहे हैं जी। दोस्तों बहुत सी वीडियोस देखी, पर सभी के पास जो बेबी पैरट्स भी है वो बड़े हैं, जिनके पर हैं, इतना छोटा बच्चा किसी के पास भी नहीं है। तो एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने सारी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस जो है छान मारी, पर कोई ढंग से इन्फॉर्मेशन नहीं लग पा रही है जी अपने को। बाकी एक भाई से मैंने देखा था, कॉन्टैक्ट भी करने की कोशिश की, बट वो जो है नंबर नहीं उठा पा रहे हैं, एक यूट्यूब का चैनल है वो इसी बारे में बताते हैं जी, तो वो भी, उनका भी नंबर मैंने ट्राई किया पर उनका भी नंबर नहीं लग पा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना उनसे पूछा जाए, उनको वीडियो भेज दी जाए, क्या पता कोई तुरंत से सॉल्यूशन मिल जाए, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है तो एक एक घंटा भी हम लेट नहीं कर सकते इस बारे में। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, बाकी देखते हैं जी। जी फ्रेंड्स ऊपर मैं आ गया हूँ जी, ऊपर बर्ड्स के सेटअप में, तो हमारा जो है जी बेंटम पेयर अभी बाहर ही छोड़ रखे थे, पर जब मैं आया तो अपने आप ही इस केज में चले गए थे, मैंने बंद कर दिया, और देखो जी मिट्टी में खेल रहे हैं, ये भी मिट्टी में खेलते रहते हैं ये देखो, तो बढ़िया अपना खुश है जी हमारा बेंटम का पेयर। तो फिलहाल आया था जी, चावल और दाल है, इनको मिक्स करके दे दिए खाने के लिए, तो अब जो है अपने इन्हीं को। सो दोस्तों अब जो है बेंटम पेयर को भी जी मैं
इनका बर्तन मैंने धो लिया है, इनको भी जो है इनके इसमें बर्तन में चावल जो डालकर मैं अंदर केज में ही लगा देता हूँ। तो मैं जो हूँ ये लगा देता हूँ क्योंकि इनका हाइट बड़ी छोटी है। तो लो जी, तो इस हिसाब से इनके हिसाब से मैंने लगा दिया है जी यहाँ पे खाने को। तो अब खा लेगी, खा लो। चलो देखो पूरे गंदे हो गए हैं जी, मिट्टी में भी है जी। कुछ बचे हुए चावल हैं तो ये राजा को दे देता हूँ। राजा जो है बाहर आ गया है तो उसको मैं साइड में ही रख देता हूँ वहीं पर। खाना होगा तो खा लेगा, यहाँ छाया में रख देता हूँ। ये नहीं खाएगा तो बहुत से बर्ड्स हैं जो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है रख दिया है, बहुत कम समय खाता है तो इसलिए इच्छा के हिसाब से अपनी खा लेगा, पर गया कहाँ पता नहीं। राजा मुझे दिख भी नहीं रहा है, आया तो बाहर ही था जी अभी अभी। और वो देखो जी अपनी फेवरेट जगह पे बैठा हुआ है, इस टंकी के पीछे चला जाता है। चल राजा जा, चल 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 जा 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 चल जा चल जा, उधर खाने को रखा है तेरे को, जा 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 चल खा ले, जा यार उधर जा। लो जी वहाँ चला गया है, वहाँ पे रखा हुआ है चावल जो है इसको दे दिए हैं तो खा लेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने हुआ ये है जी, तो टुक टुक जो ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बड़ा छोटा बच्चा है। तो अभी जो है जी मैंने गूगल पे सर्च वगैरह किया कि हमारे नियर बाय जो है बर्ड्स केयर क्लिनिक या जो पेट्स का केयर क्लिनिक कहाँ है, तो काफ़ी दूर है। तो मैं और अनु ने अभी डिसाइड किया कि हम लोग जो है वहाँ जा रहे हैं जी, क्योंकि हम देर नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बड़ा ही मतलब चुपचाप सा हो गया है, ढंग से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो देखकर पता लग रहा है और कुछ वीक सा भी मैं लग रहा है जी। तो अब जाते हैं जी, दवाई अपने से करने से अच्छा है, क्योंकि जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है और यूट्यूब पे देख देख के भी अपना जो है टाइम को हम ना आगे बढ़ाएं, तो कोशिश ये है कि बच्चे को लेकर जाते हैं और कुछ ना कुछ वहाँ पर जाकर जो बात बन जाए जी उनसे डिस्कस करते हैं, उनको बताते हैं। और जल्दी हमारा मेन मकसद ये है कि बच्चा ठीक हो जाए जी, टुक टुक जो है जो हमारे को मिला है जी, लेकर आए हम तो बच्चे को इतना कोशिश कर रहे हैं जी अपनी तरफ से वो ठीक हो जाए, तो आप लोग भी प्रार्थना करना जी। तो चलते हैं जी, इसके बाद इनको खाना दे दिया है तो स्पेशली मैं फटाफट आया, अभी थोड़ा व्लॉग बनाना था पर अब जो है हमें जाना पड़ रहा है, 5:30 बजे का टाइम हो चुका है, क्लिनिक बंद ना हो जाए तो इसी वजह से जी। तो मैं असील मुर्गे को भी इसी में कर दिया था अकेले, चल आ जा आ जा चल, इसको भी खोल देता हूँ जी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जी, स्पेशली जो है आप देख भी रहे होंगे सामने, एनिमल्स रिलेटेड मतलब ऑल ओवर पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत दूर दूर से लोग अपनी पशुओं को लेकर यहाँ पर आते हैं, देख सकते हैं सामने भी देख सकते हैं आप। और दोस्तों मैं और अनु फटाफट से गढ़वासू, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं, टाइम ज़्यादा हो गया था, इमरजेंसी में बहुत से एनिमल्स यहाँ पर एडमिट भी थे। टुक टुक को देखने के लिए हमने जो रजिस्ट्रेशन करवाया, बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे थे और उसको देखने के लिए आए टुक टुक को, और बहुत से लोगों ने फोटोज भी ली। और फिर डॉक्टर साहब आए तो दोस्तों हमने डिटेल में उनसे सारा कुछ डिस्कस किया और दोस्तों डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से हमारे को ट्रीट किया, बच्चे को अच्छे से चेकअप किया और उन्होंने देखकर बताया कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, कंडीशन इसकी बहुत ज़्यादा डाउन है, इसके सर्वाइव करने के चांसेस ना के बराबर है। पर दोस्तों हमने जैसे जैसे उन्होंने बताया तो उन चीज़ों को हमने सुना, अब देखते हैं जी अब क्या होता है दोस्तों। तो उसके बाद जो है आप देख सकते हैं बाहर बहुत सी कारें लगी थी क्योंकि वहाँ बहुत से डॉग्स जो है इमरजेंसी में एडमिट थे। डॉक्टर साहब ने देखा और उन्होंने कह दिया है कि इस तरह के जो इतना छोटा बच्चा है कि इसके ऑर्गन्स भी अभी डेवलप नहीं हुए हैं, बाकी आप लोग ORS दो इनको, आप बाकी देखते हैं जी, चलते हैं आप घर। और उन्होंने कहा है ORS दो, बाकी फीड तो हम करवा ही रहे हैं, बाकी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बच्चा ठीक हो जाए। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपसे घर जाकर जी।